हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी सारा कमेंट आया था कि भाई आप गांव जा रहे हो तो आपका गांव कैसा है थोड़ा सा दिखाना, ठीक है। और गांव तो पूरा मैं घुमा नहीं सकता, लेकिन मैं अपना घर दिखा सकता हूँ जो मैंने खुद बनाया, ठीक है। और बहुत मेहनत लगा था बनाने में, तो चलो मैं दिखाता हूँ, टोटल एरिया दिखाता हूँ क्या क्या है। और गाँव जैसे कि देख रहे हो, पेड़ पौधा से पूरा भरा हुआ है, और ऐसे ही होता है ज़्यादा से ज़्यादातर गाँव में, ठीक है। और मेरा गांव ही है, कोई टाउन या शहर नहीं है। और मैं काम करने की वजह से चला जाता हूँ चेन्नई में काम करने के लिए, लेकिन मैं गांव में रहता हूँ और मैं गांव का लड़का हूँ, लेकिन गवर नहीं है। तो मेरा घर आने के लिए पहले तो ये रास्ता जो है इसी से आना पड़ता है। ये थोड़ा कचरा है, कल बारिश हुआ था बहुत ही। और ये बैंगन का पेड़ है सारा का सारा, ठीक है, ये देसी बैंगन कहते हैं। और ये है हमारे क्या बोलता है, छोटा सा मुर्गी का फार्म है, छोटा सा, ठीक है। और ये है मेरा घर है, इसमें अभी तक कंप्लीट नहीं किया, लेकिन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे होगा। और बारिश की वजह से ये थोड़ा सा ऐसा आ गया टोटली, ठीक है। ये पूरा अगर दिखाना है तो अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन घर में अभी फ़िलहाल कोई नहीं है और मेरे पास चाबी भी नहीं है, इसके लिए लॉक हुआ है। अंदर का थोड़ा सा अलग है, काफ़ी सारे रूम है। और इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसी के हिसाब से ये घर मैंने रेडी किया था। और ये चारों तरफ आप देखेंगे सिर्फ पेड़ और पेड़, ठीक है। और ये है हमारा गाय है, गौ माता जो बोलता है वही है। और ये बहुत ही अच्छी है, और इसका नाम है सुंदरी, ठीक है। और देख सकते हो बहुत ही नाजुक है और बहुत अच्छी है, बहुत बहुत, किसी से कुछ बोलता भी नहीं, जो भी कहेंगे वो पूरा समझता है सब कुछ बस, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सिंपल ही रहता हूँ। और आप तो शायद देखा ही होंगे कि मैं हमेशा सिंपल रहने के लिए पसंद करता हूँ, मैं सिंपल जैसा ही अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। और ये है बैक साइड का, ये थोड़ा सा गांव में जैसे कि किचन होता है थोड़ा बहुत वैसा ही है, घर का अंदर भी किचन जैसा है। और ये है एरिया, ठीक है, छत का है, लेकिन छत का ऊपर मैं जा नहीं सकता मैं। और ये कुछ पेड़ वगैरह है जो घर का सौंदर्य जो है वो बढ़ाता है। और वो तो अभी ये टीन का एक लगा दिया, क्योंकि अभी तक जो विंडो है उसका खिड़की का मैं सब कुछ रेडी नहीं कर पाया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा हो गया, क्या करेंगे, अभी अकेला कमा के सब कुछ करना अभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। और अभी मेरा भाई जो लोग हैं वो बहुत ही छोटा है, जिसके लिए वो लोग अभी कमा नहीं सकते, और जिसके लिए अभी तक पैसा नहीं हो रहा है। ये है मेरा घर, और एक साथ मैंने ऊपर का जो फ्लोर है वो भी रेडी करने के लिए ट्राई किया था। वो जो कलम है उसको मैं खड़ा करके रखा है, लेकिन उसको मैं कभी भी स्टार्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए तो ये पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद ये। और ये कंप्लीट करने में भी बहुत पैसा खर्चा होगा। जो लोग ये काम करता है वो लोग खुद बोला है कि भाई अभी आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो बस करना है, क्या करेंगे, अभी धीरे धीरे कमाएँगे, धीरे धीरे खर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इतना ही रहेगा, क्या करेंगे। ये है हमारा मतलब घर तक पहुंचने के लिए कच्चा रास्ता, ठीक है। और इसका आगे थोड़ा सा आगे है पक्का रास्ता, जिससे मतलब गाड़ी बाइक सब चलता है, ठीक है, थोड़ा सा आगे देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो रोड है ये पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, इसी से गाड़ी चलता है। और जहाँ पे भी जाना है इधर से जाना पड़ता है, ठीक है। इसका पूरा आगे की तरफ है मेन रोड, और इसका लास्ट में है कुछ अलग गांव, ठीक है, वही है। ओए ओए, तो गांव में तो खेलने के लिए तो जगह होना चाहिए। ये है वो फुटबॉल का या क्रिकेट का ग्राउंड, अब देख सकते हो यहीं पे गांव में, मतलब मेरा गांव में इधर सब बच्चे लोग जो भी हो सब खेलते हैं, ठीक है, यही हो जगह। गांव में एक बात सबसे खास होता है कि हर तरफ हरियाली दिखाई देता है, ठीक है, जो शहर में नहीं मिलता है। मैं भी तो मतलब चेन्नई में रहता हूँ, तो शायद उधर मैं देखा ही नहीं ठीक से, इतना हरियाली, मतलब इतना कुछ। अब देख सकते हो चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ हरियाली हरियाली और कुछ ही नहीं। और छोटा सा एक सड़क है, मतलब ये एक मतलब अगर शहर में होगा तो इसको रोमांटिक प्लेस कहते हैं, ठीक है, जो कि ना हमारा गाँव में हर तरफ है रोमांटिक ही रोमांटिक है। और ये है ग्राउंड है, तो ऐसा होता है गाँव, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है गाँव में, जैसे भी जितने भी वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन गांव के जैसा कुछ नहीं होता है। एक बात खास है क्या कि शहर में दोस्तों
थोड़ा सा जगह पर भी एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हर एक किसी का एक एक घर एक एक प्लॉट बहुत जगह होता है, मतलब अपना जगह मतलब अपना है और काफ़ी जगह होता है। और शहर में ऐसा नहीं होता, उसमें तो बहुत ही कम जगह मिलता है, उसी से एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत ही मतलब एडजस्ट मतलब बहुत ही एडजस्ट है, थोड़ा सा जगह पर ही सब कुछ बनाना पड़ता है। और इधर पूरा खुले हम बहुत जगह रहता है और कोई थोड़ा सा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। एक जगह पे घर है, किचन बनाएगा अलग अलग जगह पे, ठीक है, बाथरूम जो भी है अलग अलग जगह पे होता है सब कुछ। देखिए कितना दूर दूर है घर। गांव में ज़्यादातर साइकिल ही चलता है, लेकिन जिसके पास बाइक होता है वो थोड़ा बहुत अमीर दिखता है, बस ऐसा ही है। और ज़्यादातर लोग साइकिल में आना जाना पसंद करते हैं। ये देख सकते हो, अभी तो मैं जा रहा हूँ अपना रिश्तेदार के घर और बस आज ही निकलने वाला हूँ चेन्नई के लिए। ये वीडियो और भी पहले आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ना, मैं थोड़ा सा ज़्यादातर भागदौड़ कर दिया और ऊपर से मैं चेन्नई से डायरेक्टली गांव में आ गया, तो इधर का क्लाइमेट मेरा सूट नहीं हुआ, जिसके लिए बीमार हो गया थोड़ा बहुत। और बुखार भी आया था कल से, बहुत ही बुखार था, अभी भी बुखार ही चल रहा है। मैं दवाई खा के बाहर निकला था, ठीक है, और जैसे कि आज निकलने वाला हूँ चेन्नई के लिए, और जिसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहा था कि हाथ में और टाइम नहीं, 3 बजे मेरा ट्रेन है और अभी 1:25 हो गया, तो 3 बजे मेरा ट्रेन है, सॉरी 11:45 को ट्रेन है, मुझे निकलना ही यहाँ से और 3 बजे, तो मैं 11:45 को ट्रेन को पकड़ सकता हूँ इधर से जब मैं जाऊँगा, ठीक है। इसीलिए मैं पहले से ही रेडी हो गया, सब मैं क्या मेरे साथ जो जाने वाला है वो भी रेडी हो गया। जो मेरा रिश्तेदार का घर था उसमें मैं पहुंच गया, यही है, और यहीं पे आना था क्योंकि इधर से निकलना है आज, ठीक है। तो ये घर को थोड़ा खोलना है, दिन में 1-2 बार आना पड़ता है इसमें, तो आज मुझे यहाँ से निकलना है, ठीक है, बस वही जैसा होता है वैसा ही है सब कुछ, देख सकते हो ये।